गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। ये है एडवांस टेंस का पार्ट 13 यानी पार्ट 13, और इस पार्ट में आप जानने वाले हो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो भूतकाल में हुआ करते थे और जब होते थे ना तो वो होते ही रह जाते थे। जैसे कि मैं खेलता था तो खेलता ही रह जाता था, तुम सोते थे तो सोते ही रह जाते थे, वह नृत्य करती थी तो करती ही रह जाती थी, तुम बोलते थे तो बोलते ही रह जाते थे। यानी वैसे वाक्य जो भूतकाल में होते थे तो होते ही रह जाते थे, यानी उसकी शुरुआत होती थी तो होती ही चली जाती थी, यानी नॉन स्टॉप जो है वो एकदम कार्य कंटिन्यू होने ही रहती थी, यानी होते ही रह जाती थी। कुछ ऐसे कार्यों को हम पढ़ते हैं एडवांस टेंस के अंतर्गत, और इसको हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो पास्ट इनडेफिनिट आपने पढ़ा है ना, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, उसी के बाद आपको बस नॉट टू स्टॉप लगा देना है। चलो ये बातें तो बाद में हो जाएंगी, पहले मैं आपको दो तीन बातें और भी बता दूं। ये जो एडवांस टेंस है ना, पहले मैंने आपको टेंस क्लियर किया, उसके बाद फिर एडवांस टेंस पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको थर्ड वाला टेंस भी पढ़ाऊँगा, है ना, और वो थर्ड वाला टेंस इन सबों से काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी अलग होगा। लेकिन उस चीज़ को पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आप सबको सिलेबस चाहिए होगा, जो लोग भी इंटर वाले हो, मैट्रिक वाले हो, जो सेंट्रल एग्जाम्स देने जाने वाले हो, उन सब के लिए मैं अब से जो वीडियो बनाने वाला हूँ आपको एक हफ्ते बाद से, वो आपको मैं बता दूं कि उनमें से लगभग 3/3 वीडियोस आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलने वाली है, एग्जाम से संबंधित मिलने वाली है। सो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहो, आपके चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे जो आप एग्जाम्स में लिखना चाहते हो, जिससे कि आपका एग्जाम्स सफल हो, आप अच्छे से लिख करा सको और अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सको। शुरू करते हैं ये वीडियो, और इस वीडियो में आप सीखोगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो भूतकाल में होते थे तो होते ही रह जाते थे। ये सेंटेंसेस बड़े ही आसान है, अगर जो स्टूडेंट्स ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है, जिन लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है उसको ये सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है आई थिंक उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। बट डोंट वरी, आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ में ज़रूर आएगा, और मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए, भले आप कितने भी वीक हो, कितने भी कमज़ोर हो, आपको मैं समझाने की पूरा कोशिश करता हूं। तो देखते हैं इन सेंटेंसेस को। यहां पर जो हेडिंग मैंने लिखा है एडवांस टेंस पार्ट 13, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, मैंने आपको बोलकर ही बता दिया है, और वैसे आपको थंबनेल पर भी वो दिखाई दे देगा, एडवांस टेंस पार्ट 13 लिखा होगा। नीचे यहां से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, पहले सब्जेक्ट लगाना है, वी टू लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तब नॉट टू स्टॉप को लगा देना है। ये जो नॉट टू स्टॉप है ना, ये सब में आपको लगाते चलना है, ऐसा नहीं है कि किसी में ये छोड़ देना है, बल्कि सभी में नॉट टू स्टॉप आएगा, और वो ये बोध कराएगा, ये डिनोट करेगा कि कोई भी कार्य मतलब होती है तो होती ही रह जाती है, ना तो रुकनी नहीं है, वो स्टॉप नहीं होती है, स्टे नहीं होती है, वो होती है तो होती ही रह जाती है, ऐसा बोध कराएगा नॉट टू स्टॉप। पर उससे पहले हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तब वी टू लगाते हैं, और तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब चलो सेंटेंस को देखते हैं। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता था, पहले इतना कर लो कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता था, और आपको मैं बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी टू का प्रयोग होता है जब वाक्य नेगेटिव नहीं हो, इंटरोगेटिव नहीं हो, डब्ल्यू एच नहीं हो, तो बस आपको सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। तो मैं आई पढ़ाता था, ओके, जो पढ़ाता था ना, पढ़ाता था, पढ़ाती थी, पढ़ाते थे, इसको आप वी टू में ले जाओगे। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच होती है, और टीच का सेकंड फॉर्म जो होता है वो टॉट होता है। तो मैं आई पढ़ाता था टॉट क्या, अंग्रेज़ी, इंग्लिश, ओके, यहाँ बिंदु होना चाहिए, डॉट, अंग्रेज़ी तो इंग्लिश, फिर से एक बार, मैं हमारा सब्जेक्ट तो आई, वी टू टॉट पढ़ाता था के लिए, ऑब्जेक्ट अंग्रेज़ी तो इंग्लिश, और ये जो नॉट टू स्टॉप है ना, बस इसको लगा दो यहाँ पर अंत में, नॉट टू स्टॉप, है ना आसान। अगर बस आपको पास्ट इंडेफिनिट आती है, आपको वी टू आती है कि किसी भी वर्ब को हम वी टू कैसे करें, उसको वी टू हम कैसे बनाएं, तो आई थिंक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलो दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। वह हॉकी खेलता था तो खेलता ही रह जाता था, वह हॉकी खेलता था तो खेलता ही रह जाता था। पहले दोनों सेंटेंस को अलग कर लेते हैं, वह हॉकी खेलता था, इतना अलग मैं कर लेता हूँ, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वह के लिए हमने ही लगा दिया है, ठीक है। खेलता था के लिए प्लेड कर दिया है, क्योंकि प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, ईडी कर देने से, है ना,
तो ही प्लेड, वह खेलता था, क्या खेलता था, हॉकी। तो हॉकी के लिए हमने एच ओ सी के ई वाई कर दिया है, और इसके स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान देना, एच ओ सी के ई वाई, ओके, एच ओ के आई नहीं, फिर एच ओ सी के वाई नहीं, एच ओ सी के ई वाई। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, ई छोड़ देते हैं वो लोग, लेकिन ई आना चाहिए, ओके। तो वह हॉकी खेलता था, ही प्लेड हॉकी, और तो खेलता ही रह जाता था। तो खेलता ही रह जाता था के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नॉट टू स्टॉप का प्रयोग कर देना है। ऐसा नहीं कि फिर से आप प्ले लिखोगे, है ना, फिर से रह की इंग्लिश लिखोगे, ज़्यादा थे की इंग्लिश लिखोगे, ऐसा नहीं होता अंग्रेजी में। बस आप नॉट टू स्टॉप कर दोगे ना तो इसके सेंस में आ जाएगा, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजी के जो ट्रांसलेशन होते हैं वो वर्ड टू वर्ड नहीं किए जाते हैं। आपको बहुत सारे सेंटेंसेज सेंस को समझ करके, उसकी सिचुएशन को समझ करके आपको ट्रांसलेट करना होता है। सो यहाँ पर सिर्फ नॉट टू स्टॉप का मतलब हो जाएगा तो खेलता ही रह जाता था, यानी ये नॉट टू स्टॉप ये दर्शा रहा है कि ये कार्य होता था। मान लो कि कोई हॉकी खेलने का कार्य शुरू किया, ठीक है, और जब शुरू किया ना, खेलना शुरू किया, तो वो खेलता ही रह गया। ऐसा एक्सप्रेशन है इसका कि जब उसने शुरू किया हॉकी खेलना तो वो रुका नहीं, खेलता ही रह गया। तो खेलता ही रह गया का मतलब है नॉट टू स्टॉप, यानी वो रुका ही नहीं। तो रुका नहीं तभी तो वो खेलता रह गया, वह खेलता रह गया तभी तो नहीं रुका। सो सिचुएशन यहाँ पर सेंस इसकी है नॉट टू स्टॉप, इसलिए नॉट टू स्टॉप दोनों में आया हुआ है और इसमें भी नॉट टू स्टॉप आएगा ही। तो थर्ड वाले सेंटेंस को देखते हैं कि हम लोग व्यायाम करते थे तो करते ही रह जाते थे, या फिर हम लोग कसरत करते थे तो करते ही रह जाते थे। कसरत हम उर्दू में कहते हैं, व्यायाम हम हिंदी में कहते हैं, दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। इसलिए अगर व्यायाम लिखा हो या कसरत लिखा हो तो आप समझना कि एक्सरसाइज की बात हो रही है, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि कसरत अलग है, व्यायाम अलग है, लेकिन नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग व्यायाम करते थे, पहले इतना बना लेते हैं, हम लोग के लिए वी, और यहाँ पर करते थे जो है ना, करने के लिए अलग से आपको टेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, आप टेक नहीं भी लगा सकते हो, बाद में बता दूंगा। तो करते थे, तो यहाँ करने की इंग्लिश डू नहीं होने वाली है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सब कुछ खाने के लिए ईट नहीं आता, सब कुछ लिखने के लिए रीड नहीं आता, सॉरी राइट नहीं आता, सब कुछ पीने के लिए ड्रिंक नहीं आता, और सब कुछ करने के लिए डू भी नहीं आता। तो यहाँ पर करने की इंग्लिश टेक होनी चाहिए। ये जो टेक है ना, ये टेक नहीं, ये टुक है, लेकिन ये किसका रूप है, टेक का रूप है, यानी टेक वी वन है और टुक इसका वी टू है, और हमको वी टू ही तो लगाना है, ओके। तो हम लोग वी करते थे, टुक व्यायाम एक्सरसाइज, वी टुक एक्सरसाइज, हम लोग व्यायाम करते थे, वी टुक एक्सरसाइज, हम लोग व्यायाम करते थे तो करते ही रह जाते थे, नॉट टू स्टॉप। नॉट टू स्टॉप का मतलब है रुकते नहीं थे, करने की शुरुआत करते थे तो करते ही रह जाते थे, रुकते नहीं थे। तो नॉट टू स्टॉप का यही सिचुएशन है। अब इसको ओ आर दे करके मैंने एक तरीके से और बनाया है, पता है कौन सा तरीका है, आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज मैंने लिखा, इसका मतलब होता है व्यायाम करना, है ना, या फिर व्यायाम। और अगर मैं लिखूं टेक एक्सरसाइज तो इसका भी सेम मतलब है, लेकिन ये वाला मतलब नहीं निकलेगा इसका, बस व्यायाम करना, टेक एक्सरसाइज व्यायाम करना। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज लिखते हैं तो इसके दो मतलब है, व्यायाम करना भी और व्यायाम भी, यानी वर्ब के रूप में व्यायाम करना और नाउन के रूप में व्यायाम, ओके। जैसे कि वर्क मीन्स काम करना भी और काम भी, मिस्टेक मीन्स गलती करना भी और गलती भी। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर चाहो तो टेक से टुक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वी टू के रूप में आप टुक नहीं भी लगा सकते हो, इसको नहीं भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वी, तो वी टुक को हटा करके एक्सरसाइज को वी टू बना दोगे, एक्सरसाइज्ड, है ना, वी एक्सरसाइज्ड का ही मतलब हो जाएगा कि हम लोग व्यायाम करते थे। जैसे कि सी वाई सी एल ई, साइकिल मीन्स होता है साइकिल भी और साइकिल चलाना भी, और अलग से चलाने के लिए हम लोग राइड भी लगाते हैं, राइड ए साइकिल। तो अगर मुझे बनाना हो कि मैं साइकिल चला रहा हूँ तो आई एम राइडिंग अ साइकिल या बाइसिकल, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन तुम चाहते हो कि हम राइड वाइड नहीं लगाएंगे, हम तो सिंपल तरीके से बनाएंगे, तो राइड की ज़रूरत नहीं है, आप साइकिल में आई एन जी कर दो, आई एम साइकिलिंग, इसका मतलब हो जाएगा मैं साइकिल चला रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से टेक एक्सरसाइज का मतलब भी व्यायाम करना और सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब भी व्यायाम करना, लेकिन टेक के साथ रखना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैंने पहले सेंटेंस में बताया है वी टुक एक्सरसाइज, हम लोग व्यायाम करते थे, नॉट टू स्टॉप तो करते ही रह जाते थे, यानी रुकते नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने टुक को हटा करके डायरेक्ट एक्सरसाइज को वी टू बना दिया है, एक्सरसाइज्ड। तो वी एक्सरसाइज्ड का भी मतलब है हम लोग व्यायाम करते थे, और वी टुक एक्सरसाइज का भी मतलब है हम लोग व्यायाम करते थे, और करते थे तो नहीं रुकते थे, इस सेंस में नॉट टू स्टॉप को लगा देना है।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेज जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज़ किए जाते हैं, अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बाकी कुछ मत करना, उसके लिए मैं नहीं कहना, मुझे नहीं कहना, लेकिन बस शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए शेयर ही है। एंड आफ्टर दैट कॉमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन इन्जॉयफुल, इंटरटेनमेंट से भरा पड़ा हो। एंड जय हिंद, जय बिहार।